वेलकम टू मनीषरा क्लासेस। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के प्रशासक की सहायता के लिए 3 सदस्यीय सलाहकार की समिति नियुक्त की है, निम्नलिखित में से कौन समिति के सदस्य हैं? ये सदस्य हैं संजीव नौटियाल, श्रीनिवासन वरदराजनी, प्रवीण पी कांडले। मतलब ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये 8.4% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और धन उगाने में अपनी तकनीकी वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए नवंबर 2021 में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता किया? ये किया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं इसराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वेनिला सीताराम शास्त्री का नवंबर 2021 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उनको सम्मानित किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नवंबर 2021 में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये किया है मनोज कुमार मागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में हुई राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक में किस राज्य के लिए 1816 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई थी? ये राजस्थान को मंजूरी दी गई थी 1816 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किस श्रेणी के मानदंड के लिए 3 सदस्यीय समीक्षा पैनल का गठन किया? ये किया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में 400 वर्षों के बाद कौन सा देश विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया है? ये बन गया है बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा महानियंत्रक CGA द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 के लिए दिसंबर 2021 में जारी किए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का अपेक्षित घाटा प्रतिशत क्या है? ये है घाटा प्रतिशत 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में दक्षिणी नौसेना कोच्चि के 29वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया एम ए हम्पी ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य भर में समाचार पत्र फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की? ये की है ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया है रोहन बोपन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलमार्ट और उसके सहायक फ्लिपकार्ट ने 2 नवंबर 2021 में घोषणा की कि वे किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे? ये किया मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस IIT इंक्यूबेटेड स्टार्टअप GUVI ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में एक मंत्री स्तरीय समूह ने नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिग्रहण करने के लिए 210 करोड़ की बोली को मंजूरी दी है? ये दी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है 210 करोड़ की बोली को। थैंक यू।